वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि पिछली बजट की तुलना में इस बार का बजट 22% बड़ा है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय के विकास का नया अध्याय लिखेगी। इसके लिए हमने आधारभूत रणनीति तैयार भी की है जो 10 स्तंभों पर टिकी होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि कर प्रस्ताव में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, साथ ही टैक्स में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने कुशासन के खिलाफ मुहर लगाकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। ऐतिहासिक जनादेश द्वारा प्रकट किए गए स्नेह और विश्वास के लिए हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्राण प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे चारों ओर चुनौतियों का घना अंधेरा है। महिलाएं कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति का शिकार रहीं, युवा मन अविश्वास और आशंकाओं से ग्रसित रहा। पिछले सालों में प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतरा रहा और राजकीय खजाना हमें खाली मिला है, पर हम अंधेरों के बीच उजाले की तलाश करने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का घना अंधेरा है। कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी ताकतें क्या हैं। शॉर्ट मैनेजमेंट में एक एनालिसिस होता है अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम अपने छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पक्ष उभर कर सामने आएंगे, इसका एनालिसिस जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करके विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित होगा, तब हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों के साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करते हुए कैसे आगे बढ़ेगा, यह हमारे सामने एक चुनौती है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है। उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोडमैप जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था और इसी 1 नवंबर को इसी साल सन 2024 में ये विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, इस 5 सालों के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो जीडीपी को केवल 5 सालों में दुगुना करने का लक्ष्य जो हम निर्धारित कर रहे हैं, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत 10 लाख करोड़ की जीडीपी तक जो पहुंचना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में, फंडामेंटल स्ट्रेटेजिकल पिलर्स के रूप में 10 स्तंभों की पहचान किए हैं और उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारा पहला पिलर होगा फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा पांचवा पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा छठवां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा सातवां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा आठवां पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। ट्राइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इट ओनली रिक्वायर्स लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशंस बाय द स्टूडेंट्स। अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना
और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब किसान, युवा और महिला, चार जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस, इन सब सहयोग लेते हुए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। हमारी रणनीति का सातवां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का सातवां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। बस्तर क्षेत्र में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी, मछली पालन जैसी संभावनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। ये हमारी रणनीति का सातवां स्तंभ होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का आठवां स्तंभ होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स की स्थापना करने पर हमारा जोर होगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अपनी अपनी अलग अलग आर्थिक विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्टताओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करते हुए विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स अर्थात डीडीपी की स्थापना को हम सुनिश्चित करेंगे। रायपुर, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशिष्टता है, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों को स्टेट कैपिटल रीजन 14,70,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। जेल में रहने वाले बंदियों को उनके परिजनों से बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 जिला जेल एवं 8 उप जेलों के प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए 1,16,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। जेलों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न कार्य जैसे बंदी बैरक, सीसी रोड, आवासीय भवन एवं बाउंड्री वाल निर्माण हेतु 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जो कर्मचारी रहते हैं उनको थाना क्षेत्र में ही रहने को मिल सके, दूर दराज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वे रह सकें, इसके लिए 129 करोड़ रुपए के पुलिस चौकी, थाना एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 1,45,00,000 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कटघोरा, जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है। महासमुंद एवं जगदलपुर में परिवार न्यायालय भवन तथा 24 स्थानों पर व्यवहार न्यायालय, इस प्रकार कुल 26 न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यायिक कर्मचारियों के 289 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए कुल 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था एवं वीडियो वॉल की स्थापना तथा जेल एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग एवं रिकॉर्डिंग हेतु अतिरिक्त सेटअप एवं कंप्यूटर उपकरणों की व्यवस्था के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई विभाग नहीं है अध्यक्ष महोदय जहां टेक्नोलॉजी के लिए हमने बजट न दिया। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। नगरीय सुविधाओं का विकास,
नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत 1,002 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी